दोस्तों भारत अब भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जबकि अभी से ही तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। इसको दूसरी लहर से भी अधिक घातक बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बुरी खबर और सावधान करने वाली खबर है। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जुगल किशोर ने सीधे तरीके से कह दिया कि भारत में तीसरी लहर आने वाली है, जो कि पहले और दूसरी लहर से बहुत ही खतरनाक होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आएगी और इसके खतरे को कम करने के लिए सरकार को ही नहीं बल्कि हमें भी अपनी कमर कसनी होगी, वरना लापरवाही का नतीजा आपने दूसरी लहर में तो देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों एक राहत देने वाली खबर भी है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर पड़ सकता है बुरा असर। दोस्तों समय रहते इससे बचाव करने की जरूरत है, नहीं तो बाद में इससे दिक्कत बढ़ सकती है। दोस्तों भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले देश और दुनिया के लिए सबक बने हुए हैं। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। दूसरी लहर में भारत में एक ही दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि पहली लहर के दौरान 16 सितंबर 2020 को देश में 97,000 से अधिक मामले सामने आए थे। दोस्तों भारत फिलहाल इस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन अभी से ही तीसरी लहर की आने की संभावना हो गई है। आपको बता दें कि ज्यादातर जानकार इस आशंका को सही बता रहे हैं और अधिकतर जानकारों का कहना है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि भारत में महामारी की जिस तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है वो मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि जिन लोगों ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया हुआ है सितंबर तक उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और वो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस तीसरी लहर के कारण ये भी हो सकता है कि हमारे देश में जो बच्चे जन्म लेंगे या नवजात शिशु इसके संक्रमण का शिकार जल्दी हो सकते हैं। तो दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर से सतर्क हो जाइए और वैक्सीनेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी वैक्सीनेशन करा लिया तो तीसरी लहर तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।